हेलो डॉक्टर केरकर दिस साइड, मैं आपसे बात करने वाला हूं जो काफी बार मेरे क्लिनिक में प्रेजेंटेशन होता है। लोग आते हैं वो बीमारी लेके, वो है मरने का डर। काफी सारे लोग 20 और 40 साल के उम्र में आते रहते हैं और आते से ही मतलब मालूम पड़ता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उनको पूछा कि क्या हो रहा है आपको, तो बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है। फिर मुझे बहुत डर लगता है ऐसा बोलता है, पर डर का क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा। उसको इतना डर लगता है कि वो विचार आता है उसको तो उसके हाथ कांपना, छाती में बहुत धड़कन, मतलब सीने में बहुत धड़कन, धड़ 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 ऐसा हृदय करना, पसीना तर जाना। उसको ऐसा इतना डर लगता है कि मैं मर गया। अरे भाई हुआ क्या? उसको पूछा कि ऐसा हुआ कैसे? तो मालूम नहीं कैसा हुआ, बहुत डर। जब वो व्यक्ति को मेरे क्लिनिक में आया तो उसको पूछा कि तूने कहां इलाज किया, तो उसने इतनी बड़ी फाइल निकाली और वो फाइल में कितने सारे कार्डियोग्राम किए हुए। सुबह शाम अलग अलग लोगों के पास में जाके वो कार्डियोग्राम निकाल रहा है कि भाई अभी अटैक आएगा, अभी अटैक आएगा, इतना उसको डर है। उसको पूछा मैंने तो ये चालू कैसे हुआ है, तो उसने बताया कि 2 साल से इसको ये बीमारी है और 2 साल पहले उसके पिताजी घर में बैठे थे, शाम का समय था और बैठे बैठे उनको थोड़ा सा ऐसा अनइजीनेस हो गया, थोड़ी घबराहट हो गई और बस वहीं के वहीं वो नीचे गिर गए। उनको हॉस्पिटल में तुरंत लेके गए, तब तक उनको मृत घोषित किया गया। तो उसको तब से इतना उसको डर बैठ गया है, क्योंकि उसको ना घबराहट है ना बेचैनी है ना हाथ थरथर है, मगर उसको विचारों से ही वो हाथ थरथरना, घबराहट आना, छाती में धड़कन शुरू हो जाता है और उसको लगता है कि अभी अपन मर जाने वाले। अच्छा, मरने के बाद में फिर बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा, फिर पत्नी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, और वो मतलब वो सोच भी नहीं सकते है कि भाई मरने के बाद में होता क्या है, मतलब मर गया तो क्या हुआ क्या भाई। तो बात किया तो उठी चले जाते, मतलब इतना डर। तो अभी हमको ये लगता है कि इनको करना क्या। काफी सारी दवाइयां उसको दी गई थी, जो मेरे पास में जो बातचीत कर रहा हूं जो पेशेंट की, काफी सारी दवाइयां उसको दी गई थी, बहुत सारी ट्रीटमेंट उसको मैंने तुरंत फायदा होने वाली कुछ दवाइयां जो है कि जिससे एकदम तुरंत मन शांत हो जाएगा, धड़कन कम हो जाएगी, ऐसी कुछ दवाइयां उसको मैंने दिया। और उसको बोला कि भाई आपको सख्त जरूरत है हिप्नोटिज्म की, हिप्नोथेरेपी। उसका ब्रेन का, उसके भेजे का कंडीशनिंग हो चुका। एक इवेंट हुआ, एक घटना हुई, घर में बैठा हुआ था, पिताजी और बातें कर रहे थे। पिताजी की उम्र करीब करीब 55-60 की ऐसी कुछ तभी थी और अचानक उनको घबराहट हो गई और कटाक्ष हो गिर गए। तो घटना ये हो गई, वो घटना का इतना बड़ा दिमाग के ऊपर कंडीशनिंग हो गया, भेजे के ऊपर कंडीशनिंग हो गया, इतना बड़ा झटका उसको बैठ गया कि अभी उसको बार बार वही डर बैठा हुआ है। तो मैंने उसको सम्मोहन उपचार में, हिप्नोटिज्म में, हिप्नोथेरेपी में डिसेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया उससे करवाई। डिसेंसिटाइजेशन मतलब यह है कि हम उसको हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित करते हैं। सम्मोहित की अवस्था में व्यक्ति एकदम रिलैक्स रहता है और जब वो रिलैक्स रहता है तो उसको कल्पना करने में लगाता हूं कि भाई आप कल्पना करो कि अभी आपके सामने जो सीन हो चुका है पहले, वो अभी हो रहा है, वो घटना हो रही। मतलब घटना कौन सी हो रही है कि अभी पिताजी सीरियस है या वो गिर गए और आप एकदम रिलैक्स, वो घटना हो, वो फिर से उसको ताजा करो, तब रिलैक्स करो। घटना सामने हो रही है और आप रिलैक्स है, घटना सामने हो रही है और रिलैक्स है। फिर दूसरा, आपको ऐसे विचार आ रहे कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ऐसे विचार आ रहे और आप रिलैक्स है। मतलब इस तरह का बार बार यदि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैमरिंग होता है तो फिर वो उसमें से ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो लड़का मैं बात कर रहा हूं उसको ऐसा भी था कि कहीं कहीं वो मैयत में नहीं जाता था, कोई बीमार है तो उसके यहां नहीं जाता था, क्योंकि कोई बीमार है उसको मिलने गया तो वो मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा, ऐसा उसको डर लगता था। या कहीं बात भी मतलब उसने सुन लिया कि कोई बीमार है तो वहां वो घर के आसपास में जाएगा, डर लगता कि मैं मर जाऊंगा।
तो इस तरह का है तो उसको हिप्नोटाइज करके, डीकंडीशनिंग करवा के, उसको विजुअलाइजेशन करवा के, उसमें रिलैक्स करना माइंड, बार 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 हैमरिंग करवा के, बार 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 स्वयं सूचना देके घर में प्रैक्टिस करने के लिए उसको बोला, और एक दो महीने बाद में उसका पूरा कंप्लीटली इलाज हो गया। बोल रहा कि भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी वो जो असर हो चुका था, वो झटका जो बैठ गया था, वो झटका पूरा निकल गया था और वो कंप्लीटली अच्छा हो। तो ये संभव है कि उसका जीना जिस तरह से वो मतलब उसका जीना आराम हो गया था, उसको एक एक दिन काटना कठिन हो गया था, तो ये इलाज करके, ये ना कुछ बाहर का है ना कुछ शारीरिक बीमारी है, उसके लिए मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारी का इलाज मानसिक रूप से होना चाहिए, मतलब मानसिक उपचार से होना चाहिए, सम्मोहन उपचार से होना चाहिए, दवाई से होना चाहिए। धीरे धीरे मैंने ये पेशेंट की दवाई धीरे 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 बंद करवा दिया। उसको मैंने बोला कि आपको जहां जहां डर लग रहा है, कोई बात सुनी आपने, कोई बीमार है तो आप जाते नहीं है, वहां भी जाओ। सम्मोहन उपचार में हिप्नोटाइज जब मैं करता था उसको मैं सोचता था कि अभी आप सोचो कि कोई बीमार है और वहां आप जाके खड़े हैं और कुछ नहीं हो रहा। जैसे डीकंडीशनिंग उसको करवा के अच्छा जीवन उसने जीना चालू किया। तुम्हारा फर्ज है कि ये आप शेयर करें वीडियो लोगों के साथ में, ताकि जितने भी लोग ये जो डेथ फोबिया है या हार्ट अटैक का जो डर है लोगों को कि मैं मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, और इससे काफी लोग जो भयभीत हो चुके हैं, उनका जीना कठिन हो गया है, वो अच्छा हो जाएंगे। इसलिए आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ में, लाइक करो। हमारा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर भी मैंने काफी सारी जानकारी दी है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।